सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस ओपन माइक के मंच को और सर को धन्यवाद करना चाहूँगा मैं जी सर। अगर ये जो एक्टर लोग हैं सभी, अगर ये लोग एक ही कॉलोनी में रहते तो कैसे रहते? एक ही जगह पे एक ही कॉलोनी में रहते नॉर्मल हम लोगों जैसे तो कैसे रहते? ये लोग नॉर्मल नहीं रहते साहब, ये लोग थोड़ा अलग रहते। सुबह सुबह प्रेस रावल साहब निकलते, यार बाबा यार राजू यार बाबा इधर धोती सुखाने को रखा था किधर गया बाबा, यार बाबा यार बाबा मैं किसी ने जांघिया चुरा लिया है या महिला मैं उसको छोड़ेगा नहीं बाबा। बगल से नाना पाटकर साहब देखते हैं इनकी सारे माहौल, कहते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब मैं बहुत छोटा सा था मेरा बाप मुझे हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर ले जाया करता था। बचपन की सारी यादें धुंधली हो गई पर वो सीढ़ियों वाली बात मेरे दिमाग से नहीं जाती। उन सीढ़ियों पे लिखा हुआ था इंसान को उसके किए की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, यही भुगत रहा है तू। प्रसाद साहब कहते हैं यार बाबा मेरे को तेरे पर शक है बाबा, तू इस दुआ होगा। वो कहते हैं अच्छा है, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, दौलत है शोहरत है इज्जत है, तेरी चट्टी चुराऊंगा मैं। हाँ कौन है तू, तेरी पहचान क्या है? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, हाँ तेरी चट्टी चुराऊंगा मैं, चट्टी चोर साले। कहता अरे जा रे बाबा तू जा रे, ये बाबा तू जा, तू नहीं चुराया जा। उसके बाद अब बात है सुनील शेट्टी साहब कहते हैं ए बाबू भैया, ए बाबू भैया क्या हुआ बाबू भैया, बस तुम्हें बोल जाओ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे बोल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि दास्ती मेरी माँ है। प्रसाद साहब कहते हैं यार बाबा एक दुखद खबर सुना हुआ तेरे को, किसी कुत्ते आने में चड्डी चुरा लिए बाबा। कहते हे बाबू भैया ये सारा ये चोर तो बहुत देखे बाबू भैया, लेकिन किसी की चड्डी चुरा ले ऐसे चोर को पहली बार देखा हो। वो कहते कि यार बाबा मेरे को ना तेरे पे भी शक है बाबा, इस कॉलोनी के सभी लोगों पे शक है बाबा। कहते हे माँ हे माँ ये मेरे को चड्डी चोर बोला, हे माँ ये माँ शक्ति दे रहा माँ, हे माँ ये मेरे को चड्डी चोर बोला माँ। वो कहता यार बाबा तुम माँ को क्या के बुलाता है, तो जा रे बाबा तो जा। उसके बाद आते हैं सनी देओल साहब, कहते बाबू भैया क्यों खेल रहे थे सियासी खेल, आप सब पे चड्डी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, क्यों खेल रहे थे सियासी खेल? अगर मुझ पर लगा तो उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा फाड़ दूंगा बाबू भैया। तब तक ये इतनी सुन के कहते हैं धर्मेंद्र जी निकलते हैं, कहते कत्ते कमीने राम के पुले मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तूने मेरे बेटे पे चड्डी चोरी का इल्जाम लगाया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रसाद साहब कहते हैं यार बाबा जब तेरा बेटा मेरे को उठा उठा के पटकेगा ना तो मैं सब पक्का फट जाएगा, वो जो खून निकले उसे पी लेना है तू बाबा, तब से खून का प्यासा साला कुत्ते या कहीं का। उसके बाद आते हैं राजपाल यादव साहब, राजपाल यादव कहते हैं बाबू भैया क्या हुआ, बहुत शोर शराबा है भगवान कितना शोर शराबा। वो कहते हैं प्रसाद साहब कहते हैं यार बाबा तूने तो मेरा चड्डी नहीं चोरा। कहते हे भगवान मुझे चड्डी चोरी का इल्जाम नहीं, मालिक हे मालिक मैं क्यों चड्डी चोराऊँ, मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे सब लोग चड्डी चोरी का इल्जाम, हे भगवान कैसे कैसे लोग पड़े बसे हैं भगवान। कहते यार बाबा तू रोता क्या कर है, यार तू बिल्कुल रोंदुआ है साला, तू जा तू जा बाबा तू जा। उसके बाद आते हैं हमारे भोजपुरी एक्टर सर, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह जी कहते अरे महाराज क्या बोलो है, अरे हमारा चढ़िया ने हराई लाए, अरे मिल जाई बाबू मिल जाई, अरे चढ़िया चोरावल बहुत बात नहीं खे, ओकरा साइज में लियावल बहुत बात होला। लास्ट में आते हैं अजय देवगन साहब, वो कहते हैं आज जो झूठ है खानी है, आजू का पर खाना नहीं, खुश चोरा ना हो जिंदगी में तुम्हें, छट्टी कभी किसी का चुराना नहीं।
ये लास्ट में आते हैं दिलीप कुमार साहब, कहते हे भाई कैसा शोर शराबा है भाई, कौन चुरा लिया तुम्हारी चड्डी, हाँ तुम्हारी चड्डी का रंग क्या है रे भाई। वो कहते हैं ये बाबा जब खरीदी थी तो लाल थी, अब धोते धोते उसका रंग उड़ गया है बाबा, अब लाल के उड़े रंग को क्या बोलते ये मेरे को नहीं मालूम है बाबा। वो कहते कि यार बाबा, वो कहते दिलीप कुमार साहब हे भाई लाल का उड़ा हुआ रंग तुम्हारी स्किन के रंग से मैच करता है भाई, तुमने पहन लिया है तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये चड्ढी तो अब पारदर्शी हो चुका है भाई। और छोड़िए सर इन बातों को, कुछ और बात बताते हैं। अगर सर बहुत समय पहले धरती में उथल पुथल हुआ, धरती में उथल पुथल हुआ भाई, उसके बाद आदि मानव लोग आए, खुदाई हुआ, खुदाई के बाद क्या हुआ सर कि सब चीज़ मिले, रिसर्च हुआ वगैरह वगैरह बहुत कुछ हुआ। अगर आज के समय में धरती में उथल पुथल हो जाए तो क्या होगा, फिर से खुदाई होगी, फिर से रिसर्च होगा, तो मिलेगा क्या, सी डी के कैसेट। अब सी डी के कैसेट को लेकर तीन चार बुद्धिजीवी टाइप के आदि मानव लोग रिसर्च मार रहे हैं। अब सी डी का कैसेट है तीन चार, एक कहता है अगर यह इतना चमकीला और साफ सुथरा है तो पहले का आदमी इसमें भोजन करता रहा होगा, मैटर साल्व है। दूसरा कहता है गलत गलत, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा, माना यह चमकीला है साफ सुथरा है भोजन करने योग्य है, परंतु इसके मध्य में छेद क्यों है। तीसरा कहता है मैटर साल्व, पहले का मानो जिस थाली में खाता था उसी थाली में छेद कर दिया करता था। और सर अगर सर आगे बढ़े, मेरा ये मानना है सर कबीरदास सूरदास ये जो लोग थे, ये लोग कवि नहीं थे, ये लोग गायक थे। इनकी कविताओं को आज के ज़माने में पढ़ाया जाता है, इनकी गानों को पढ़ाया जाता है, कविता नहीं थी। क्योंकि कबीरदास तो खुद ही लिखे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी कागज़ छुओ नहीं, कलम गए हो हाथ नहीं हाथ, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं था मैं। तो सर उस आगे के ज़माने, इस ज़माने में उन्हीं कविता उन्हीं गानों को पढ़ाया जाता है, तो आगे के ज़मानों में इन गानों को, आज के ज़मानों को के गानों को पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। तो पढ़ाया ऐसे नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर आ, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। अगर सर स्कूल में पढ़ाया जाए, सर कहेंगे कैसे पढ़ाएंगे, चलो पीछे से रमेश खड़े हो जाओ, चलो बताओ बेटे राजा का अर्थ क्या है, राजा का अर्थ क्या है। वो कहेगा रमेश जी सर मतलब राजा का अर्थ है, मतलब राजा का अर्थ महाराजा है सर, महाराजा जो राज करता हो। कहते गलत, राजा का अर्थ ये नहीं होगा, राजा का अर्थ होता है, राजा का अर्थ यहाँ पे पति से है, और पति होता है परमेश्वर के समान, अर्थात नेहा कक्कड़ जी अपनी रचनाओं में कह रही हैं, नेहा कक्कड़ जी अपनी रचनाओं में कह रही हैं पति पति होता है परमेश्वर, और परमेश्वर को ही बोला जाता है ईश्वर, अर्थात भक्त इनडायरेक्टली ईश्वर से कह रहा है ईश्वर। वो जमाना है। नेहा कक्कड़ जी की कविताओं की एक और खास बात, वो जो श्रृंगार रस में भक्ति रस का संयोग करती हैं, आहा अद्भुत अतुलनीय असहनीय, क्या गजब का संयोग करती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है कि कुंडी मत खटकाओ, तो कह रहा भक्त, वो जमाना है जब भगवान स्वयं भक्त के पास आता है और कहता है, कहते हैं कि नेहा कक्कड़ जी कहती हैं कि कुंडी मत खटकाओ, हे प्रभु आप हमारे पास आने के लिए अनुमति न मांगे। कुंडी एक अवरोधक का कार्य करता था उस जमाने में, सर पढ़ा रहे हैं कि कुंडी एक अवरोधक का काम करता था, तो कुंडी मत खटकाइए प्रभु सीधा अंदर आइए, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। आह क्या बात है, कहना है कि फूल धूप दशांग आदि सब लेकर भक्त बैठा हुआ है,
आइए प्रभु और भक्ति के भावनाओं में दो हम लोग डूब जाते हैं। वाह, नेहा कक्कड़ जी द्वारा रचित यह कविता मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, थैंक यू।